नमस्कार, आप सभी का पाई सनराइज किचन में स्वागत है। आज मैं काली मिर्ची चिकन बना रही हूँ। उसके लिए क्या 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 सामान लगता है, कैसे बनता है, चलिए बना के दिखाते हैं आप सबको अच्छे से। चिकन काली मिर्च बनाने के लिए मैंने चिकन को पहले थोड़ा सा विनीगर और नमक लगा के थोड़ी देर रख रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो गंदा है वो खून और होता है वो निकल जाए। मैंने एक बड़े चम्मच विनीगर इसमें मिलाया है और एक छोटे चम्मच नमक मिला रही हूँ मिलाया और इसको अच्छा से मिला के थोड़ी देर इसको छोड़ दूँगी। और इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं काट लेती हूँ अभी, जो प्याज और चाहिए। चिकन काली मिर्च बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ताकि ये अच्छा खाने में स्वाद आए, चिकन में अच्छा सा रोस्ट वाला फ्लेवर आए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रोस्ट कर दी। अभी मेरा काली मिर्ची जो है वो हो गया है, मैं गैस बंद कर दूँगी, उसके बाद प्याज और थोड़ा फ्राई करके ले लूँगी। वाला ले लिया है, इसमें मैंने काली मिर्ची सारे दरदरा कूट लूँगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको दरदरा कूट सकते हैं, मेरे पास ये है तो मैंने इसमें कूट रही हूँ। आपको मिक्सी में कूटना है तो मिक्सी में भी कूट सकते हैं। दरदरा कूट लिया है, अब मैं इसको साइड में रखती हूँ, उसके बाद आगे की जो मसाला और है उसको करते हैं, मसाला बनाते हैं। ये देखिए मैंने चिकन को जो विनीगर नमक लगा के रखा था उसका देखिए पानी कितना गंदे से निकल गया है। अब मैं इसको अच्छा से धो के साफ कर लूँगी, उसके बाद इसमें मसाला लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। चिकन में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, आधा नींबू का जूस, आप इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई लिया है चिकन फ्राई करने, चिकन बनाने के लिए। मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब मैं एक एक करके चिकन डाल दूँगी। मैंने सारे चिकन डाल दिया है, अब इसको 5 से 7 मिनट फ्राई कर लूँगी मीडियम गैस में। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, 4 हरी मिर्ची, 1 नीम की अदरक का टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा लहसुन का कलिया लिया है और थोड़ा सा काजू मैंने गर्म पानी से भिगो के रखा है, ये सॉफ्ट हो गया है। अब इनको मैंने बारीक काट लूँगी, लंबा लंबा काट लूँगी। देखिए मेरा चिकन जो है फ्राई हो चुका है आधा, तो मैं इसको ये करके निकाल लेता हूँ एक बर्तन में। मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता, 1 टुकड़े दालचीनी, 1 मोटी इलायची, ये 2-3 छोटी इलायची, उसके बाद मैंने प्याज लंबा लंबा काट के रखा, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये सब डाल के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ हल्का फ्राई। अब मेरा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अब मैंने जो काजू भिगा के रखा था वो मैं डाल दूँगी अभी इसी स्टेज पे। ये वीडियो जो है अच्छा बनेगा, लास्ट तक देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। प्याज और सारे अच्छे से भून गया है, मतलब हल्का भुना है, ज़्यादा भुना नहीं है। अब मैं गैस बंद करके इस मिक्सचर को ठंडा करके मिक्सी में पीस लूँगी इसको अच्छे से। मैंने गैस बंद कर दिया है, अब इसको अच्छा से ठंडा कर लूँगी, फिर मिक्सी में पीस के अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को दिखाते हैं। अब मैंने ये मिक्सी ठंडा हो गया मेरा, मैं मिक्सी में डाल दिया है, अब इसको मैंने अच्छा से पेस्ट बना लूँगी, स्मूथ पेस्ट।
अब देखिए मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है अच्छा से, और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है, हरी इलायची का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। अब मैं कढ़ाई ऑन करके चिकन का आगे का प्रोसेस आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। मैंने कढ़ाई ऑन कर लिया था, गर्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा दालचीनी, दो हरी इलायची और दो तेज पत्ता, उसके बाद मैंने एक बड़े चम्मच बटर लिया है, अब जो मसाला मैंने पीस के रखा है इसको डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, अच्छा से चलाते हुए इसको अच्छा से भून लूँगी मसाला को। गैस इसको हल्का रखना है, इसको लगातार चलाना है, नीचे लगने नहीं देना है। काजू डाला है तो ये जल्दी नीचे लगता है, इसको लगातार चलाते रहना चाहिए ये मसाला डालने के बाद। और इसमें ध्यान रखना है जब तक ये मसाला भून के तेल ऊपर तक ना आए तब तक इसके पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब मसाला जो है ये भून चुका है, देखिए इसे ऊपर तक तेल ऊपर तक आ गया है। अब मैं इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो मसाला पीसा था मिक्सी में इसको थोड़ा सा धो के इसमें पानी डाल दूंगी और इसको अच्छा से भून लूंगी। अब मैं दही डाल रही हूँ इसको, ये मेरा मसाला जो है भून गया है, मैं इसमें दही डाल रही हूँ आधा कप। अब इसको मैंने हल्का गैस कर दिया है, हल्का गैस में इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ऐसे पहले ही मैंने अच्छा से मिक्स करके रखा था ताकि इसमें जाए वो गिटली ना पड़े इसको, इसलिए अच्छा से लगातार चलाते रहना चाहिए इसको, इसको लगातार चलाना है अभी इसको। अब मेरा दही जो है वो पक चुका है, अब मैं जो चिकन फ्राई करके रखा है वो एक एक करके डाल के इसके अंदर अच्छा से पका लूँगी। अब गैस मैंने मीडियम कर दिया है, तो अच्छा से 10 से 15 मिनट पकाऊंगी कवर इसका लीड लगा के। अब मैं कवर लगा देती हूँ इसको मीडियम गैस से, 5 से 7 मिनट अच्छा से पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ा हल्का कर दूंगी। ये मेरा 5 से 7 मिनट हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, पहले चिकन में डाला है, अब मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, थोड़ा ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब इनको अच्छा से मिला लेंगे, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब काली मिर्ची जो है मैं लास्ट में डालूँगी, पहले डालने से ये चीज़ कड़वा हो जाता है तो इसीलिए मैंने लास्ट में डालूँगी। थोड़ा सा 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने पानी डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा मुझे ड्राई लग रहा है चिकन और थोड़ा पकेगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। ये मेरा चिकन जो है ये मेरा वजन से 600 ग्राम था, मैंने इसे क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ये मैंने मिल्क पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ इसको मिलाने के लिए। अब इनको अच्छा से मिला के इसको एक बिल्कुल लम्स फ्री घोट लूँगी, लम्स फ्री बैटर टाइप बना के इसको अच्छा से घोट के फिर मैं सब्जी में चिकन में डालूँगी इसको, इसका एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्रीम जैसा टेक्सचर देगा इसको। क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए ये मिल्क पाउडर और दूध को जो मिला के रखा था ये मैंने डाल दिया है, अब इनको अच्छा से मिला लेंगे।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा देखने में भी टेस्टी लग रहा है। अब मैंने थोड़ा सा धनिया का डंडी काट के रखा था वो डाल दे रही हूँ। धनिया नहीं डालना चाहिए इसमें क्योंकि इसका कलर जो है थोड़ा हरापन आ जाता है, तो मैंने इसमें धनिया का डंडी थोड़ा डाल रही हूँ काट के। इनको भी अच्छा से मिला लूँगी। अब मैं इसके ऊपर से कुटी हुई काली मिर्ची डाल रही हूँ, जितना टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा डाला था चिकन में, अब थोड़ा सा डाल दिया है। अब इनको भी अच्छा से मिला लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा हरी इलायची का बीज मैंने कूट के रखा था, ये थोड़ा हरी इलायची का बीज मैंने डाल दिया, इसमें एक मीठापन आता है। अब इन सबको अच्छा से मिला लूँगी। अब ये मेरा चिकन जो है पक चुका है। देखिए हरी इलायची का वो डालने के बाद कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। काली मिर्ची चिकन बनके रेडी है। ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखिए कितना अच्छा से बन गया है। इस अब परफेक्ट बना है, इसका जो तेल है ऊपर तक आ गया है। अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी। मैंने गैस बंद कर दिया है।